पानीपत में मुख्य डाकघर में सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। अंदर से धुआं उठता देख लोगों ने इसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम नंबर पर दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग को पहले बाहर से बुझाया, फिर भीतर गए। पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में थी। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। कार्यालय के भीतर विभाग के महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे जो कि इस आग में जलकर राख हो चुके हैं। आग वहां रखे कंप्यूटर सिस्टम में लगी होगी तो उपभोक्ताओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका सारा डेटा उक्त सिस्टम में ही होता है। करीब 4 साल पहले पानीपत के इस मुख्य डाकघर में पासपोर्ट बनवाने की भी सुविधा दी गई थी। जीटी रोड बेल्ट पर स्थित पानीपत औद्योगिक शहर है। कंबल व हैंडलूम उद्योग यहाँ की पहचान है। निर्यात के सिलसिले में व्यापारी जर्मनी, सिंगापुर, चीन व अन्य देशों की यात्रा पर जाते रहते हैं। आप लोगों को पासपोर्ट ऑफिस बुलाया था? जी जी जी। क्या पूछता था? हमारा पासपोर्ट की आज वो डेट थी, हमने यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आए थे। आज की डेट मिली हुई थी, मैं मैक्सिमम 2 महीने पहले अप्लाई किया था, पानीपत का हमने भरा था तो ये मिला। यहाँ पे आगे देखा, पता लगा यहाँ आग लग गई किसी कारणवश। तो अब क्या कुछ बता रहे, भी कुछ आगे का तो दिशा निर्देश है नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं भाई कहीं और अप्लाई कर लो, जाके अगली डेट ले लो। अब कहाँ अप्लाई करना उसके बारे में तो कुछ बता नहीं रहे, किस जगह पे करें, किस वजह से नहीं करें। जितेंद्र सिंह नाम है मेरा, गांव बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ। सर अभी कारणों का तो एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते, पर पता लगा है कि भी जो कॉलोनी वालों ने पीछे खिड़की है पासपोर्ट ऑफिस की, तो वहाँ से धुआं दिखाई दिया, और जैसे उन्होंने धुआं दिखाई दिया तो ये नेचुरली है कि भी वो देखेगा भी किस कारण से धुआं आ रहा है, तो बोले सर बैटरीज पे चिंगारी वगैरह, और वहाँ से बैटरी से हमने देखा कि धुआं। क्या नुकसान का अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं कह पाते, अभी आकलन कर रहे हैं क्या क्या जला है। सर उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भी अपना रिशेड्यूल करा लें, और यदि और कुछ हमारे को गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन मिलेगी उधर से पासपोर्ट ऑफिस से तो हम उनको इंटीमेट कर देंगे, या उनके पास मैसेज से सूचना चली जाएगी। देखने में आ रहा है सर पूरा रिकॉर्ड जो है वो जलकर खाक। जी सर, पासपोर्ट का हमारा तकरीबन जो ऑफिस है सारा जल गया है। अपना परिचय दे दीजिए। सर नरेश दीवान, पोस्ट मास्टर, पानीपत हेड पोस्ट। कुछ आप आए हैं? मैं घरौंडा से आया हूं, और मेरी डेट थी आज पासपोर्ट बनने की। 3 बार मैं यहां पर आया, लेकिन कुछ कागज़ों में खामियां थी, लेकिन आज आया तो पता लगा यहां पर जो पूरा कार्यालय पासपोर्ट बनाने वाले जो कर्मचारी है वो कार्यालय से बाहर है कि शॉर्ट सर्किट से जो है वो आग लगी है। लेकिन हमें कोई अगली डेट कब मिलेगी ये अभी तक कोई निश्चित नहीं है कि मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि कई बार हम जो है 3 बार का होता है, इसमें आपके पैसे बच जाते हैं, लेकिन अगर आप 3 बार जो कागज़ पूरे नहीं कर पाते लेकिन उनकी जो है वो पैसे नहीं बचेंगे। मेरे ख्याल से 3 बार आज मेरी जो है वो तीसरी डेट थी, और तीसरी डेट में डाक विभाग के लोगों ने या पासपोर्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने कुछ मिले, आप मिले उनसे, उन्होंने कुछ नहीं, वो खुद मेरे ख्याल से सहमे हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि ऐसा बताया उन्होंने, अगर कोई कर्मचारी अंदर होता तो मेरे ख्याल से वो बच के आज निकलना मुश्किल था, क्योंकि जो आग बताई गई है वो ज़्यादा भयंकर। नाम बताओ। सलीम नाम है मेरा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।